हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या है आपका? रासायनिक बलगतिकी के। इसका वीडियो हमने पहले एक बढ़ाया है जिसमें हमने अभिक्रियाओं के बारे में बताया। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर के बारे में कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, और एक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम इनको स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया के वेग के बारे में जानेंगे। किसी अभिक्रिया के किसी भी एक अभिकर्मक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। जैसे औसत अभिक्रिया की दर, औसत अभिक्रिया की दर। औसत अभिक्रिया की दर की हम बात करें तो क्या बताएंगे? द्रव अनुपाती के नियम अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात समय बढ़ने के साथ साथ क्रिया कारक की सांद्रता कम व उत्पाद में वृद्धि होती जाती है, अर्थात R बराबर X2 - X1 / T2 - T1 या R बराबर TX / ΔT। इस अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। डेल्टा एक्स पदार्थ की मात्रा या सांद्रता, डेल्टा टी क्रिया में होने वाला लगा समय। इसी प्रकार हम अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो निम्नलिखित हैं, जैसे अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया का ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति, अभिक्रिया का दाब, क्रिया कारकों की प्रकृति, क्रिया कारकों का क्षेत्रफल। तो इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि किस प्रकार अभिक्रिया की दर को ये कारक प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे सांद्रता का प्रभाव, किसी भी अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है, अर्थात क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अर्थात हम किसी भी अभिक्रिया की दर में या अभिक्रिया में सांद्रता बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है और घटाने पर घट जाती है। इसी प्रकार आपका ताप का प्रभाव, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, अर्थात अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार हम उत्प्रेरक की बात करते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं किंतु अभिक्रिया की दर को घटाने तथा बढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपकी उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार के हैं, जैसे धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर घट जाती है। और हम उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरित उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसकी खोज सर्वप्रथम आपके किसने की थी? बारजीलियस ने की थी, जो कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। इसी प्रकार हम देखते हैं अभिक्रिया में दाब का प्रभाव, किसके बारे में? दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं में होता है, अर्थात गैसीय अभिक्रिया पर ही केवल दाब का प्रभाव पड़ता है, अर्थात किसी अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर आयतन घटता जाता है और अभिक्रिया की दर का मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने पर उसके अणु, गैसीय अणु पास आ जाते हैं जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती। इसी प्रकार हम क्रिया कारकों का क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसी भी अभिक्रिया में क्रिया कारकों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही मंद गति से होगी, किंतु यदि क्रिया कारकों का क्षेत्रफल जितना
कम होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही तीव्र गति से होगी। क्योंकि जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, हम एक नमक के बड़े बड़े डीले लेते हैं और नमक पिसा हुआ नमक लेते हैं और पानी में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि पिसा नमक आसानी से जल्दी घुल जाएगा, लेकिन जो हमारे नमक के बड़े बड़े दाने होंगे वह देर से घुलेंगे। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। और आइए देखते हैं अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। अभिक्रिया की दर को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। दर स्थिरांक को कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है और दर स्थिरांक का मान क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। साम्यावस्था में अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग समान होता है और साम्यावस्था में अभिक्रिया का वेग साम्य स्थिरांक के बराबर होता है। इसकी इकाई मोल लीटर यूनिवर्स होती है। इसे कोटि में व्यक्त किया जाता है। तो ये आप दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर में अंतर बता सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं आणविकता की कोटि।